यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर नरवाना से आ रही है, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला। बड़ी खबर नरवाना से आपको दे रहे हैं, जहां पर रेलवे रोड पर जैन बजट बाजार में लाखों की चोरी हुई है और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी साथ में चोर उखाड़ कर ले गए। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। गुलशन चावला नरवाना से फोनलाइन पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। गुलशन, इस खबर को लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, नरवाना में चोरों का आतंक छाया हुआ है। चोर आए दिन किसी न किसी वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम दे देते हैं और आज उन्होंने हल कर दी। रेलवे रोड पर जो जैन का शोरूम चलता था, उसके अंदर चोरों ने दीवार फांद कर वारदात को अंजाम दे दिया और जो दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और डीवीआर लगे हुए थे वो भी साथ ले गए। और जो लाखों का सामान था, नकदी थी और जो दुकान के अंदर सामान रखा था वो भी साथ उठा कर ले गए और चोरों ने बड़े आराम से इस वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के अंदर रखी जो कोल्ड ड्रिंक था और ड्राई फ्रूट था वो आराम से बैठ के खाते रहे और उसके बाद माल लेकर फरार हो गए। और जिसको बिल्कुल क्वेश्चन, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे भी साथ में उखाड़ कर ले गए, तो कहीं ना कहीं बड़े आराम से इस वारदात को अंजाम दिया गया, साथ ही अब सुराग पीछे कोई नहीं छोड़ गए। बिल्कुल, चोरों का हौसले साफ तौर पर बुलंद है। सबसे बड़ी बात तो यह कि नरवाना का जो मुख्य मार्ग है रेलवे रोड है, वहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। और दूसरा, जिसकी दुकान को अंजाम दिया गया वो नरेश जैन है, व्यापार मंडल का प्रधान है, जिसको लेकर व्यापारी में रोष है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यापार मंडल के प्रधान है उनकी दुकान ही और मुख्य बाजार के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आम जन लोगों की दुकानें कैसे सुरक्षित होंगी और ये शहर का मुख्य बाजार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन चावला तमाम अपडेट देने के लिए। तो गुलशन चावला ने जिस तरीके से बताया कि चोरों के हौसले काफी बुलंद है और काफी आराम से इस वारदात को अंजाम दिया गया और रेलवे रोड पर जैन बजट बाजार में ये लाखों की चोरी का मामला सामने आया है।